हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज बनने वाला है आलू पराठा, और इसके लिए हम लोगों ने आलू उबाल कर छील कर और पहले से इसे मैश कर रखा है। और यहाँ प्याज कट करके रखी हुई है, हरी मिर्च है, लहसुन है, और यहाँ कढ़ाई चढ़ाया हुआ है। और आज स्पेशली बना रही है मम्मी जी आलू पराठा, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे लिए ये स्पेशल बन रहा है। तो अब इसमें जाएगा तेल, और हम लोगों को तो खैर अभी सर्दी का मौसम है तो आलू पराठे तो खैर ऐसे भी फेवरेट ही है। मुझे लगता है आप लोगों का भी होगा, क्योंकि गर्मा गर्म आलू पराठे जब मिलते हैं तो ओहो, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आज ये आलू पराठा बना रही है मेरी मम्मी जी। तो इन्होंने तेल डाल रखा है, अब ये गर्म होगा। जाएगा हरा मिर्च। वैसे तो सब लोग अपने अपने तरीकों से आलू पराठा बनाते हैं, पर आज मम्मी जी का तरीका से आप भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। तो ये तेल गर्म हो चुका है, उसमें हरी मिर्च जा चुकी है। ये जाएगी लहसुन, और ये जाएगा लाल मिर्च। वैसे ये तो पहले ही पड़ना चाहिए था, पर शायद ये भूल गया थे देना, इसलिए इन्होंने अभी दिया। और अब इसमें डालेंगे प्याज। और ये सारा आप लो फ्लेम पे करिएगा, ये तो जल जाएगी। अब जाएगा नमक, और ये हम लोग 3 लोगों के लिए बना रहे हैं। और आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहें उतनी मात्रा में आप घटा बढ़ा सकते हैं। और ये भूनते हुए इस कलर का हो चुका है, और अब इसमें जाएगा हल्दी। और ये हमने डाला मटर। एक्चुअली में हमारा कोई इरादा नहीं था मटर डालने का, पर अचानक से मम्मी जी को याद आया फ्रिज में थोड़ी मटर रखी हुई है, बस उसको निकालने के चक्कर में हल्की सी प्याज जल गई है। और ये अब जा रहा है आलू। अभी हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है आलू की। बंद कर दो मम्मी जी। हाँ कर दो। और अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे, ताकि फिर इसी कढ़ाई में हम लोग पराठे सेकेंगे। अब इसमें जाएगा धनिया पत्ता। वैसे आप चाहें तो धनिया पत्ता जब आप स्टफिंग तैयार कर रहे हो तब डाल सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें भी लास्ट में डालिएगा। अब ये हमारा आटा लग रहा है, इसमें जाएगा थोड़ी सी कलौंजी, और जाएगा अजवाइन थोड़ी सी, और इसमें जाएगी थोड़ी सी नमक। घी भी डालना है थोड़ा सा। इसमें जाएगा शुद्ध देसी घी, इसमें घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अरे हमारे पराठे भी घी में ही बनने वाले हैं। ये फाइनली हमारा आटा लग चुका है, तो हमें आटे को ना ज्यादा नरम करना ना ज्यादा हार्ड रखना है। Thank you.
हमारी फाइनली पराठा बन चुका है, जो देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और आप इसे धनिया पत्ती और टमाटर की चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा है। वैसे हमने कुछ बनाया नहीं है, बस हम लोग ऐसे ही खाने वाले हैं सॉस के साथ। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये काफ़ी अच्छी लगती है।